हेलो व्यूवर्स, आप सबका खुश आमदीद और भलीकार है सिंधी रंधणे में। अगर आप मेरी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आपके साथ गाजर के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 किलो गाजर लिया है। उसको मैंने छील के और वॉश कर लिया है। उसके बाद हमें गाजर को इस तरीके से कटिंग करना है और इस तरीके से छोटे छोटे आपको स्लाइस करने हैं। उसके बाद आपको कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है। उसके बाद ये हम जो गाजर कटिंग कर लिए हैं उसके ऊपर फैला देने हैं। फैला देने के बाद तो 2 से 3 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे ये गाजर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये गाजर ड्राई हो चुके हैं। उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्चें डालूंगी, हरी लहसुन, उसके बाद हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें जो मैंने हरे मिर्च डाले हैं वो भी तेज हैं, और ये मैंने 3 टेबलस्पून पिसी हुई राई डाली है। नमक एज पर टेस्ट। उसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हम किसी भी कंटेनर में इसको डालेंगे। उसके बाद 1 से 2 दिन इसको छोड़ेंगे और ये हमारा अचार फिर रेडी हो जाएगा। ये गाजर का अचार खाने के लिए रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि ये अचार आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे, मेरे चैनल पर फीडबैक देंगे। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और ये अचार अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।